माँ कहती हैं, तुम जिस रूप में ध्याओगे मैं उस रूप में आऊँगी। तुम अगर दारिद्र के रूप में ध्याओगे तो मैं दारिद्र के रूप में आऊँगी। तुम अगर मात्र के रूप में ध्याओगे तो मात्र के रूप में आऊँगी। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्वास्थ्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी हम जो एनर्जीज एमिट करते हैं, अगर हम हेल्थ की, वेल्थ की, सक्सेस की, हैप्पीनेस की एनर्जीज एमिट करते हैं तो ब्रह्मांड वही एनर्जी से हमें कनेक्ट करता है और वही एनर्जीज हमारे जीवन में आती है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम दरिद्रता की, फेलियर्स की, वीकनेस की, सैडनेस की, ग्रीफ की, एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की, अगर हम इस तरह की एनर्जीज़ को ब्रह्मांड में सेंड करते हैं तो ब्रह्मांड उसी एनर्जीज़ को हमारे जीवन में लेके आता है। सो इट गोज़ वेरी सिंपल, वी मीट द सेम काइंड ऑफ पीपल द वे वी आर। हम जैसे हैं हम उन्हीं लोगों से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। अगर हम हैप्पी एंड सक्सेसफुल हैं देन वी फाइंड द इंटायर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ओनली हैप्पी एंड सक्सेसफुल पीपल। और अगर हम अपने लाइफ के एक लो फेज से गुजर रहे हैं तो हमें ऐसा ही लगता है जैसे पूरी दुनिया एक लो फेज से गुजर रही हो, बट ऐसा होता नहीं है। वर्ल्ड इज़ अ मिक्सचर ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फेलियर्स एंड सक्सेस स्टोरीज, इट इज़ अ मिक्स पैक। बट the energies that we emit, we attract those energies back to our life. And this is what is relationship all about. Relationship follows the same laws of nature. Relationship ke laws aur nature ke laws bilkul hu bahu same hai. So let me share some relationship hacks with you. Simple tips to create a long lasting happy relationship. Sabse pehla, give first. If you want to grow a plant, आपको एक mango tree चाहिए तो क्या आपको mango पहले मिल जाएगा? You need to first sow a seed. पहले उस आम की गुठली को आपको डालना पड़ेगा माँ के गर्भ में, पृथ्वी माँ के अंदर में, और तब उस गुठली से अंकुरित होगा एक आम का पेड़। तो पहले क्या करना पड़ता है? हमें देना पड़ता है। तो relationship में भी हमें पहले देना पड़ता है। We have to give first. सेकेंड, क्या देना है? यू रीप वॉट यू सो। सो हम जो रीप करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, हमें उसे ही देना पड़ेगा। सो इनकेस यू वॉन्ट अ रिलेशनशिप विच इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी, विच इज़ वेरी लविंग, विच इज़ गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, विच इज़ लॉट ऑफ अनकंडीशनल लव, देन वी नीड टू गिव ऑल दीज थिंग्स इन टू आर रिलेशनशिप। If we are giving distrust, if we are giving sadness, if we are giving unhappiness, then what will happen? We'll get that in return. So you have to reap, you reap what you sow. So इसलिए आपको वही relationship के बीज वही डालने पड़ेंगे जिसका फल आप पाना चाहते हैं। और कब डालना पड़ेगा? पहले। आप बोलोगे कि वो पहले मुझे प्यार करे फिर मैं करूँ, नॉट पॉसिबल। यू नीड टू एमिट दोज लव एनर्जीज फ्रॉम यू एंड लव एनर्जी फ्रॉम द अदर पर्सन विल ऑटोमेटिकली फॉलो। सो यू हैव टू गिव फर्स्ट एंड वॉट यू हैव टू गिव वॉट यू वॉन्ट टू रीप। सो गिव फर्स्ट एंड सो वॉट यू रीप। द थर्ड लॉ इज एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स। क्या एक बीज डालने से हमें एक ही फल मिलता है? एक आम की गुठली डाली तो क्या हमें सिर्फ एक आम मिलेगा? ऑफ कोर्स नॉट। हमें असंख्य आम मिलते हैं और वो भी वन टाइम नहीं, मल्टीपल टाइम्स फॉर ईयर्स टुगेदर। सो सिमिलरली हम अगर एक गुड डीड करते हैं अपने रिलेशनशिप में तो हमें वो मल्टीपल रिटर्न्स देता है। सिमिलरली अगर हम एक डिस्ट्रस्ट या कोई भी एक रॉन्ग एक्ट कर देते हैं तो वो भी हमें मल्टीपल रिटर्न्स देता है। तो रिलेशनशिप फॉलोज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल रिटर्न। नाउ The fourth law of relationship is constant nurturing. क्या बीज डाल के भूल जाते हो? बिल्कुल भी नहीं। आप उसे प्रॉपर खाद देते हो, उसे पानी देते हो, इंश्योर करते हो कि उसे प्रॉपर सनलाइट मिले।
सो यू रियली टेक केयर ऑफ द प्लांट व्हाइल इट इज़ ग्रोइंग. सिमिलरली रिलेशनशिप नीड्स टू बी नर्चर्ड रियली रियली वेल विद लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ केयर, लॉट ऑफ टेंडरनेस. तो अगर आप रिलेशनशिप को प्रॉपर नर्चरिंग करते हो तो वो आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देता है फॉर ईयर्स टुगेदर. बट एट द सेम टाइम द फिफ्थ लॉ ऑफ रिलेशनशिप इज इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ ब्लो. एक पेड़ सालों साल आपने नर्चरिंग की, बहुत केयर किया, बहुत ध्यान रखा, फल भी वो आपको बहुत दे रहा है, लेकिन एक कुल्हाड़ी आप मारोगे क्या होगा, वो धराशायी हो जाएगा. सिमिलरली एक रिलेशनशिप सालों साल से है, यू आर द बेस्ट बडीज, पीपल टेक एग्जाम्पल ऑफ योर रिलेशनशिप, बट वन मिसअंडरस्टैंडिंग, वन रॉन्ग एक्ट कैन डिस्ट्रॉय इट फॉर एवर. सालों साल की आपके रिश्ते को, आपकी नर्चरिंग को एक ब्लो डिस्ट्रॉय कर सकता है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड बी वेरी विजिलेंट एट एवरी एस्पेक्ट कि हम क्या कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में. एक रॉन्ग एक्ट हमारे पूरी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देगा. सो दिस इज वेरी सिंपल लॉज ऑफ रिलेशनशिप विच आर एज सिंपल एज द लॉज ऑफ नेचर. एंड इफ यू फॉलो दीज लॉज देन देर इज नो डाउट दैट यू विल क्रिएट द बेस्ट रिलेशनशिप एवर. जैसा कि मैंने कहा, माँ कहती हैं तुम जिस रूप में ध्याओगे मैं उस रूप में आऊँगी. तो आप जिस रूप में आप अपने रिलेशनशिप्स को क्रिएट करोगे, रिलेशनशिप उसी रूप में आपके जीवन में आएगी. तो आप जैसा चाहते हो कि लोग आपके साथ बिहेव करें, आपके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें, आपको सेम टू सेम वैसी एनर्जीज को एमिट करना होगा.